हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो भाई नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं वो आपको शायद ही पहले पता हो और YouTube पे उस प्रकार की कोई भी वीडियो आज तक नहीं बनी है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक ऐसी ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका हो सकता है 200 से लेके 300 का नुकसान होने से बच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम जब पंखा वाइंड करते हैं ना, ये तार शुरू से हम मतलब जब से वाइंड पहला कॉइल डालते हैं तो ये तार हम बाहर निकाल के पहला कॉइल डाल देते हैं, और उसके बाद ये जो कॉइल निकलता है ये इसका अंतिम कॉइल होता है। ये सिरा अंतिम कॉइल का सिरा निकल जाता है। ऐसे ही बाहर में ये फर्स्ट वाला सिरा है जहाँ से वाइंडिंग शुरू हुई है, और ये अंतिम वाला जो सिरा है। दोस्तों, एक बात ख़ास इसमें होती है कि जब हम पेपर वगैरह लगाते हैं, जब तक इस पंखे का लीड नहीं निकाल लेते हैं तब तक इन वायर को टूटने का खतरा रहता है। तो अगर ये वायर हमारी यहाँ से टूट जाए तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, हम इस वायर को दोबारा निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस वायर को हम दोबारा चाहे हम इसके तीन जितना मर्जी हम इसे लंबा कर सकते हैं निकाल के, क्योंकि ये अंतिम वाला सिरा और ये बाहर निकला हुआ है। लेकिन अगर हमारी ये पहले वाली फर्स्ट वाली कॉइल का ये फर्स्ट सिरा टूट गया तो हमें और कोई इसका इलाज नहीं है, हमको ये कॉइल काटना पड़ेगा या तो शॉर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो वेंडिंग की गई क्वालिटी है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। उसमें आपका है जो उतनी अच्छे से दिखेगी भी नहीं और ये अच्छा नहीं रहेगा पंखे की लाइफ के लिए। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आपकी मतलब ये फर्स्ट वाला सिरा है, आप इससे पेपर डालने से पहले ही मतलब जब आपने अंदर वाली वेंडिंग भर ली तभी इसे पकड़ करके आपने इस कॉइल के एक बार ऊपर से घुमा लेना है। मतलब एक इसे ऊपर से घुमा लेना है। बड़ी हुई लीड आप लोग काट देते हो कैंची से, वो नहीं करना है। अंतिम वाला जो सिरा है उसे इस प्रकार है जो हमें ऊपर की कॉइल के ऊपर से निकाल लेना है। ये देखिए, ये हमारा सिरा है जो निकल गया। तो दोस्तों, अगर अब ये टूट जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसे अगर मतलब लीड लगाते समय ये यहाँ से टूट गया तो कोई बात नहीं, हम इसे उधेड़ करके निकाल सकते हैं। एक बार फिर ये हमारे लिए वैसे का वैसा बन जाएगा। अगर आपको इसे एक चक्कर लगाना है, एक चक्कर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये वायर बड़ा हुआ है तो आप इसे दो चक्कर भी लगा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका फ़ायदा ही फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।